चालू कैलेंडर वर्ष शुरुआत से ही सोने के निवेश के लिए बढ़िया वर्ष रहा है। सोने की कीमतों ने हाल ही में नई ऊंचाई को छुआ और उसके बाद मध्य पूर्व में तनाव कम होने से भाव भी कुछ नीचे आए। इन्वेस्टर भाव और नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अक्षय तृतीया या उससे पहले सोने में वे निवेश कर सकें। क्या सोना वाकई सस्ता होगा और किस लेवल पर खरीद करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा से। मैं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है। सुगंधा जी, सोने की कीमतों को लेकर आपका ताजा व्यू क्या है? गुड इवनिंग कमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस शो पे इनवाइट करने के लिए। कूल की बात करें तो हमने 5 हफ्ते के बाद कुछ हद तक कूल ऑफ आते हुए देखा है प्राइसेस में। इस साल ऑलरेडी प्राइसेस 15% तक बढ़ चुके हैं, बट पिछले हफ्ते हमने मोर देन 1.5% की करेक्शन आते हुए देखी। इसका अगर मेजर कारण देखें तो जैसा कि आपने भी मेनटेन किया कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक ईज हुई है, जिसकी वजह से जो गोल्ड में जियो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और अभी भी एक डेलीगेशन हम इसकी कायरो की तरफ हेड करने वाली है, जहां वो पीस टॉक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन बनी हुई है कि इसराइल का एक ईरान पे अटैक हो सकता है। सो अगर सीज फायर हो जाती है तो गोल के लिए स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। इसके साथ साथ अगर दूसरे मेजर कारण की बात करें, व्हाई प्राइसेस हैव फॉलन डाउन, बिकॉज अभी फेड की साइड से जो इंडिकेशंस निकल के आ रही हैं, इट्स गोइंग टू इंडिकेट दैट हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे यूएस इकॉनमी में। पहले मार्केट्स जून में एक इंटरेस्ट रेट कट को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो इंटरेस्ट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पुश बैक हो चुकी हैं टुवर्ड सेप्टेम्बर। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव डाल रहा है। अभी अगर हम देखें तो एक तरफ यूएस का जीडीपी, फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी डेटा काफ़ी सॉफ्ट रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ देखें तो इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टिकी बनी हुई है। अगर हम यूएस का सीपीआई डेटा भी देखें या कोर पीसीए इंडेक्स भी देखें तो हमने वहाँ पर ये रुझान आते हुए देखा है कि इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है। सो स्लाइटली स्टैगफ्लेशन की सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड में। सो ये काफ़ी कंसर्न है मार्केट के लिए। और डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो उसने 5 महीने की ऊंचाई को छुआ। यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स की भी बात करें तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज जी तेजी आते हुए हमने देखा। सो ये सारे फैक्टर्स ने गोल्ड के प्राइसेस पर कुछ हद तक दबाव डाला है। जी अगर देखिए सुगंधा जी, इसराइल और हमस के बीच में कई बार बातचीत हुई शांति वार्ता और युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन उसके कोई खास नतीजे अभी तक निकले नहीं। ईरान की और इसराइल के बीच में टेंशन तो है, हालांकि यह है कि सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है इस समय कोई भी, पर यह हम देख रहे हैं कि रेड सी में कुछ अटैक्स हुतीज कर रहे हैं। अगर ये वार्ता बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होती है तो फिर सोने के दामों पर क्या असर आप देखेंगी? कमल जी देखें तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो तेज़ी पिछले साल अक्टूबर से लेके इस साल अब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने देखने को मिली है। ऑल बिकॉज पिछले साल जो ईरान और इसराइल जो हमस ग्रुप में अटैक्स हुए थे वो उसकी वजह से गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम देखने को मिला और प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ गए हैं अक्टूबर से लेके अब तक। सो ये बहुत बड़ा मेजर कारण है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से सबसाइड अभी भी नहीं होगा। इवन दो शॉर्ट टर्म में कुछ सीज फायर की टॉक हो सकती है जिससे गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव देखने को मिल सकता है, पर लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन की वॉर भी अभी भी कंटिन्यूड है, तो वहां पे भी लिंगरिंग कंसर्न्स बने हुए हैं। साथ ही साथ ईरान और इसराइल के बीच में भी टेंशन अभी भी ओवरऑल बनी हुई है। इवन तो कुछ प्रेशर जरूर आ रहा है कि ये यहाँ पर सीज फायर हो जानी चाहिए। सो ये शॉर्ट टर्म ही नेगेटिव रहेगा, पर लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है ये टेंशन अभी बरकरार रहेगी और ये गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करती रहेगी। इसका एक बहुत बड़ा रुझान हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और इसी के चलते सेंट्रल बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की। सो ये फैक्टर गोल्ड की प्राइसेस को काफी हद तक लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सपोर्ट करता रहेगा। नहीं जी, आपने जो कहा कि अक्टूबर से लेके अब तक 30% की बढ़ोतरी हुई है गोल्ड की प्राइस में, क्या इसे ओवरबॉट नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल कमल जी, मैं ऐसा ज़रूर मानती हूँ कि प्राइसेस एक जो बहुत स्टीप रन हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है वो कुछ हद तक कूल ऑफ होगा, और ऐसा हमने पिछले हफ्ते भी आते हुए देखा। प्राइसेस 2450 पर आउंस पर इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। हमने प्राइसेस को 2430 तक जाते हुए देखा और वहीं से प्राइसेस काफ़ी हद तक कूल ऑफ हुए हैं। बट अभी अगर हम देखें तो इमीजिएटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को प्राइसेस में नहीं मिलेगा,
मार्केट की इस हफ्ते काफी हद तक नजर रहेगी यूएस फेड की मीटिंग की तरह, और यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स निकल के आएंगे, जो यूएस का जॉब्स डेटा निकल के आएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे काफी ज्यादा मार्केट असेस करेगी कि यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट्स को लेके क्या स्टैंड रहने वाला है आने वाले टाइम में। ये काफी हद तक डिसाइड करेगा गोल्ड की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जी को। प्राइसेस सर्टेनली ओवरबॉट है, बट अभी भी मोमेंटम गोल्ड में काफी हद तक बना हुआ है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कॉन्टिन्यूड है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, सो ये फैक्टर्स गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर अभी हम एक और लेटेस्ट डेटा की बात करें तो चाइना की फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन जो है वो 6% तक बढ़ी है। सो चाइना की साइड से ओवरऑल गोल्ड में काफी बाइंग हो रही है, सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग हो रही है और रिटेल डिमांड भी निकल के आ रही है। सो ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस को मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी हद तक सपोर्ट करेगा। जी सुगंधा जी, 10 मई को अक्षय तृतीया है, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में अक्षय तृतीया पे गोल्ड लोग ज्यादातर खरीदते हैं, चाहे 1 ग्राम खरीदें या उससे अधिक भी। तो आप कमल जी, क्या आई राय लॉस्ट देंगी योर वॉइस। इन्वेस्टरों को कि गोल्ड की खरीद कब करनी चाहिए, इस त्योहार पे करें या कब कौन से लेवल पर आकर के खरीद करें? असल में लेवल्स क्या होंगे जहां खरीदना चाहिए? देखिए, अगर कमल जी किसी का स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो इस अक्षय तृतीया पे भी गोल्ड में जरूर बाइंग की जा सकती है, बिकॉज अभी भी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें गोल्ड का पॉजिटिव ही है। शॉर्ट टर्म में जरूर एक करेक्शन आ सकती है प्राइसेस में, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो जब भी गोल्ड में अक्षय तृतीया के टाइम पे बाइंग की गई है वो फ्रूटफुल ही रही है, और गोल्ड ने काफी स्टेडी रिटर्न दिए हैं। 2016 से लेके अब तक देखें तो गोल्ड के रिटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, और पिछले 20 सालों की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 11.5% के CAGR रिटर्न गोल्ड ने दिए। सो काफी ज्यादा स्टेडी रिटर्न रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो को काफी हद तक बैलेंस आउट किया है गोल्ड ने। सो मुझे लगता है इस साल भी अक्षय तृतीया पर गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। बट यस, अगर आप स्लाइटली अपने रिटर्न्स को एनहांस करना चाहते हैं और मैं स्पेसिफिक लेवल्स की बात करूँ तो एक पोजिशनल इन्वेस्टर या कंजम्पशन जी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है प्राइसेस 68 to 50 तक के लेवल तक कूल ऑफ हो सकते हैं। अगर प्राइसेस 70,500 का लेवल ब्रेक कर देते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट बनते हैं दैट इज 68,250 और लेवल्स, वहां पर मुझे लगता है एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बनेगा गोल्ड के लिए। और दोबारा से जो इन्वेस्टर्स ने इस रैली को मिस कर दिया है वो दोबारा से इस रैली को राइड कर सकते हैं। बट अभी अगर मैं बिल्कुल नियर टर्म की बात करती हूँ तो प्राइसेस 70,500 मार्क पर एक अच्छा सपोर्ट ले रहे हैं। वहीं अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो 2320 से 2300 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस को शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो एक काउंटर रैली जरूर देखने को मिल सकती है प्राइसेस में, बट मुझे लगता है वापस से प्राइसेस कुछ हद तक कूल ऑफ होंगे और 68,250 तक के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। जी धन्यवाद सुगंधा जी आपका डिस्क्लेमर। आई एम पर्सनली नॉट होल्डिंग एनी पोजिशन इन द फ्यूचर्स मार्केट, बट यस आई हैव बीन होल्डिंग गोल्ड बॉन्ड्स। जी यदि आप सुगंधा जी से कमोडिटी और स्टॉक मार्केट पे पर्सनल राय लेना चाहते हैं तो मोलतोल इंडिया वेबसाइट पर जाएं और एक्सपर्ट टॉक सेक्शन में आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शक इसे ध्यान दें और वे सुगंधा जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं।